हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। आज का ये जो वीडियो है, ये क्या हो रहा है? ये बीटीएस बना रहे साथ में, ये ब्लूपर्स के लिए मेरी धज्जियां उड़ाएंगे। चलो, तो आज का ये जो वीडियो है, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी कैमरे के सामने कोई नहीं आना चाह रहा, सब पीछे बैठे हुए हैं कैमरे के। तो मैफिन जी, एक बार दिखा दो इनको, सब कैसे बैठ के वीडियो देख रहे हैं। कुछ तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि काफी सारे लोगों को मन में ये डाउट है कि एविएशन क्या बूम बैक करेगा कि नहीं करेगा, कम बैक करेगा या नहीं करेगा, या एविएशन सैचुरेट हो चुका है इंडिया में और एकदम से आराम से बैठ जाएगा। सो मेरा ये कहना है कि एविएशन में आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एविएशन में आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नई एयरलाइंस की बात करते हैं। अकासा इज द न्यू एयरलाइन, जिन्होंने दावा किया है कि वो 2022 समर्स के अंदर अपने ऑपरेशंस शुरू कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दो एयरक्राफ्ट्स मई के महीने में आ जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट। ऑन द अदर हैंड, जेट एयरवेज इज कमिंग बैक। जेट एयरवेज की काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं एंड दे आर कमिंग बैक एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द हायरिंग। बात करते हैं इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो की। इंडिगो ने इतने एयरक्राफ्ट ऑर्डर पे दे रखे हैं, तो उनको उड़ाने के लिए तो ऑब्वियसली पायलट्स चाहिए एंड पायलट्स के साथ साथ बाकी स्टाफ भी चाहिए उनको। सो ऐसा नहीं है कि एविएशन में बूम सिर्फ पायलट्स के लिए है, इट इज़ फॉर द होल इंडस्ट्री। चाहे आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे आप कैबिन क्रू के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, तो देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ है एयर इंडिया एंड विस्तारा का, तो आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द फ्यूचर। लोग कहते हैं कि एविएशन खत्म हो गया है इंडिया में या एविएशन में बूम नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर हम बाकी कंट्रीज के कंपेयर करें, लेट्स से यूएस को कंपेयर करते हैं, तो यूएस में आज की डेट में जो एयरक्राफ्ट चलते हैं वो जितनी हमारे हिंदुस्तान में बसेस चलती हैं ना, उसके हिसाब से वहाँ पर एयरक्राफ्ट चलते हैं। एंड अगर हम उसको कंपेयर करें इंडिया में, तो हमारा तो एयरक्राफ्ट कुछ चलते ही नहीं है, मतलब उतनी फ्लाइट्स तो है ही नहीं। इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5% की आबादी है हमारी जो बाय एयर ट्रैवल करती है। व्हाट अबाउट रेस्ट 97.5%? वो 97 और 98% लोग जो आज तक प्लेन में बैठे ही नहीं है, वो भी प्लेन में बैठना चाहते हैं, वो भी हवा का सफ़र करना चाहते हैं। अपनी इंडियन गवर्नमेंट हर साल इतने एयरक्राफ्ट, इतने नए एयरपोर्ट्स खोल रही है। किस लिए खोल रही है? इसलिए खोल रही है कि एविएशन बंद हो जाए। दे आर इंक्रीजिंग दी एयर कनेक्टिविटी टू स्मॉल 2-3 tier cities, जिसका मतलब यही है कि एविएशन बूम आने वाला है। एंड अगर ये कोविड नहीं होता, ये सिचुएशन नहीं होती, तो ऑब्वियसली एविएशन बूम इस टाइम पे बहुत होता। लेकिन धीरे धीरे एविएशन पिकअप हो रहा है एंड उसके साथ साथ वेरियस अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबको एक डाउट मन में बना रहता है कि यार इस पे जाएं कि ना जाएं, पता नहीं कल को नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी यार, जो इतने सारे लोग एविएशन में पैसा डाल रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, इंडिया का बिग बुल उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो वाई आर यू अफ्रेड ऑफ दैट? एंड बाकी रिस्क तो हर चीज़ में है। अगर कल को कोरोना का कोई भाई आ गया, कोरोना, तो भी जाना ही है, तो ज़िंदगी ऐसे चलती रहती है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इन सब चीज़ों को साइड पे रख के आप ज़रूर, अगर एविएशन में बढ़ना चाहते हैं आगे, तो ज़रूर आए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं एंड नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बी फुल ऑफ वैकेंसीज। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आने वाली हैं कि अगर आप कंपेयर करो एक जगह से दूसरी जगह का, एक एसी 3-tier AC ट्रेन का किराया अगर आप देखो, तो वो बंदा अगर कुछ दिन पहले, 20-25 दिन पहले उसी जर्नी के लिए अगर प्लेन की टिकट बुक करे, तो हाई गेस ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 रुपये का फ़र्क आ रहा है आज के दिन में। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई बाय राजधानी फर्स्ट क्लास AC, उसकी टिकट इज़ एक्सपेंसिव दैन इकोनॉमी टिकट ऑफ द एयरक्राफ्ट। प्लस राजधानी में आपको 12-14 घंटे लगेंगे मुंबई आने में दिल्ली से, और
आई गेस इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो 16-17 घंटे लगेंगे। एंड अगर आप यही चीज़ बाय एयर की टिकट लेते हो, वो टिकट सेम प्राइस में आपको, शायद हो सकता है उससे भी कम प्राइस में आपको वो टिकट मिलेगी दिल्ली टू मुंबई, एंड आप 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। और ये फैक्ट है, पीछे एक टाइम तो ऐसा था दिल्ली से मुंबई की जो फर्स्ट क्लास एसी की टिकट थी, ट्रेन की टिकट की बात कर रहा हूँ, दैट वॉज समवेयर अराउंड 4,500 रुपीज, एंड सेम डे की दिल्ली टू मुंबई की बाय एयर की टिकट वॉज 2,000 से 2,500 रुपये। हाफ प्राइस में 2 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा? कौन चाहेगा कि मैं ज़्यादा पैसे दूँ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ ट्रैवलिंग में? आपका ट्रैवल टाइम भी बचा, आप जल्दी भी पहुँच गए, एंड ऑब्वियसली ये फील इतना बढ़ रहा है, एंड द मेन थिंग इज अफोर्डेबिलिटी, आप अफोर्ड भी कर रहे हैं। जैसे जैसे एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी, अपने इंडिया की हर किसी की इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे, ऑब्वियसली जब हम टाइम चलता है तो GDP बढ़ती है कंट्री की, एंड पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, तो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो अपने आप टोटल कॉस्ट जो है वो कम होगी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। एंड मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में एविएशन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है। ये तो जस्ट शुरुआत है एविएशन की, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से एविएशन इज़ फिनिश, वो ख़त्म हो जाएगा, बस 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग वही लोग हैं जो इस टाइम पे अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं एविएशन में। तो फिर भैया, अगर तुम एविएशन के बारे में इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो तो तुम इस फील्ड में क्या कर रहे हो? व्हाई आर यू स्टिल इन दिस फील्ड? अगर आपको लगता है कि प्रलय आने वाली है, ख़त्म होने वाला है, तो स्टिल व्हाई आर यू सेंडिंग योर चिल्ड्रेन इनटू दिस फील्ड? सो ये कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी भी क्रिएट करते हैं ताकि दूसरे लोग इस फील्ड में ना आ सकें। वो इस फील्ड में हैं तो उनकी फैमिली ही आगे बढ़ सके। बाकी आप लोगों के कोई और डाउट्स हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सब्सक्राइब करना मत ना भूलें चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। अच्छा, मेरी एकेडमी है मुंबई में, नवंबर अल्फा एविएशन एकेडमी। इसमें एविएशन से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ, मैं काउंसलिंग देता हूँ, एंड हमारे जो अपकमिंग पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, एकेडमी का इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके दे सकते हैं जो वेरियस सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड होती है। एंड यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, DM कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।